राम राम जी भाइयों, आज हमारे सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू 2024 मॉडल फ्रीडम 125, अपने इंडिया की फर्स्ट सीएनजी एंड पेट्रोल से चलने वाली बाइक अपने सामने आओ सामने खड़ी हुई है, मेरे भी खड़ी है एंड आप सभी के सामने खड़ी है। ये है इसका अपना टॉप वेरिएंट अपना, एंड ये है इसका अपना, ये भी टॉप वेरिएंट है। ये है इसका रेड कलर एंड ये है इसका ब्लैक कलर। इसके है अपने तीन वेरिएंट, वो बताऊंगा कि भाई आप अगर आप पहचान करते हो अपने तीन वेरिएंट्स की तो आप पहचान कैसे करते हो और हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एंड इसमें अपने क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसकी एक्सट्रोरूम एंड ऑन रोड प्राइस सब बताने वाला वीडियो के अंदर। तो फटाफट तक मेरी वीडियो को एंड तक बने रहें एंड एक छोटा सा करो इसका सिनेमैटिक शॉट अपने एंजॉय। ओके, पहले बात करते हैं बाइक के फ्रंट से। तो यहाँ लग के मिलता है स्पीडोमीटर एंड यहाँ पे लग के मिलती है नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, जो मिलता है इसका प्लास्टिक का फ्रेम, इंडिकेटर्स मिलते हैं जो मिलते हैं आपको हल्के बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं ट्रांसपेरेंट के अंदर एंड मिलते हैं हैलोजन सेटअप के अंदर। कोई भी इसके अंदर आपको हजार का ऑप्शन नहीं दिया गया एंड दिखा देता हूँ एक बार चलाकर, कहाँ गया भाई इंडिकेटर, मिल जाए भाई मिल जाए, हाँ ऐसे दिख गया आपको एंड यहाँ भी देख लो भाई इस तरीके से। एंड नीचे मिलता है पूरा आपको LED सेटअप मिलता है इसका हेडलैम्प, एक बार यहाँ देख लो एंड इस तरीके से बाइक के अंदर कोई भी आपको DRL वगैरह नहीं मिलती है। बाइक अपनी स्टार्ट होती है तो उसकी लोबी अपनी ऑन हो जाती है एंड अपने हाथ से आपको अपनी हाई बीम एंड अपनी लोबी आपको करनी पड़ेगी एडजस्ट अपने एंड ये इसका डिपर स्विच अपना। ओके, कर देगा बाइक अपनी एक बार ऑफ एंड यहाँ क्या मिलते हैं इसके टैक के अंदर मिलते हैं टेलीस्कोप सस्पेंशन, लगते हैं आपको USD4 के, क्यों लगते हैं क्योंकि जो बाहर की कवरिंग है ये इसकी मिलती है फाइबर फिनिश के अंदर, जहाँ पर फ्रीडम की मिली है ब्रांडिंग 3D एलिमेंट्स के साथ में एंड ई के अंदर मिल रहा है अपना इंडियन फ्लैग मिल रहा है एंड काफ़ी अच्छी तरीके से मैं देखने वाला लग भी रही है अपनी फ्रेंड से, लुक अच्छा आ रहा है आप देखने लगते हैं। पर आपको USD4 के अंदर इसकी रोड मिल जाती है, स्टील रोड जो मिलती है एंड नीचे जहाँ पर अपनी बाइक का ऑयल वगैरह शोकर्स में आता है वो उसका नीचे वाला पार्ट मिल जाता है इस तरीके से। बट इसकी फाइबर फिनिश की बॉडी यहाँ पर साइड में कवरिंग कर रखी है इसकी, पर लगते देखने में आपको कोई USD4 के बट है ये अपने टेलीस्कोपिक फोक। नीचे मिलता है मडगार्ड जो मिलता है प्लास्टिक फिनिश के अंदर एंड बाइक के अंदर अपने डुअल टोन कलर दिया हुआ है, रेड कलर तो बॉडी कलर अपना एंड अपने साथ में सिल्वर एलिमेंट्स के सिल्वर कलर के एलिमेंट्स पार्टिकल्स अपने छोटे छोटे कुछ कुछ पार्टिकल्स अपने उसमें करे गए हैं ताकि बाइक की जो लुक है एंड अच्छी नहीं है एंड बाइक थोड़ी सी अपनी चौड़ी लगे, मतलब थोड़ी मतलब अच्छी खासी हैवी लगे देखने में आपको एंड प्लास्टिक मतलब मरा पूरा। एंड बात करें अपनी डिस्क साइज की, 40mm में मिलती है डिस्क साइज एंड बात करें टायर साइज की तो यहाँ पे 90, 80, 70 इसका होता है ट्यूबलेस चेयर एलॉस का जो डिजाइन है वो कुछ मिलता है इस तरीके से, एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर से भी कुछ स्टार्टअप में मिल रहा देखने में आपको जैसे CBGST मतलब ओल्ड वाली उसमें मिलता है देखने में, मिलता है मैट फिनिश के अंदर यहाँ मिलते हैं ग्राफिक्स अपनी इस तरीके से रेड कलर के अंदर एंड इधर आ जाते हैं तो भाई 170mm मिलता है बाइक के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। हैंडमेड स्पीड ब्रेकर होते हैं उनमें भाई बाइक के टच होने वाली बात भी नहीं है एंड दो बैठो तीन बैठो बाइक के अंदर अपने जब भी आपकी स्पीड ब्रेकर हैंडमेड होते हैं वो कोई भी होता है अच्छी खासे ये अपने पार कर लेगी रस्तों को और टच बिल्कुल नहीं हो भाई, काफ़ी अच्छा अपना इसको मिल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस एंड यहाँ पे मिलती है आपको इसका प्लेट ताकि मट्टी वगैरह सेंसर के ऊपर ना चिपके अपनी एंड पानी वगैरह थोड़ा सा ना जाए अपना, ठीक है। बाकी ये जो पार्ट मिलता है ये तो मिलता है पूरा मेटल फिनिश के अंदर, मतलब एल्यूमिनियम पार्ट मिला देखने में थोड़ा हैवी मिल रहा है, उस साइड के जैसे पार्ट्स है वो मिलता है मैट फिनिश के अंदर, ये मिलता है प्लास्टिक फिनिश के अंदर मिलती देखने में आपको एंड यहाँ पे लगे मैंने इसका लेग गार्ड जो कि बॉडी से काफ़ी बाहर मिलता है एंड खुदा ना खासा बाइक गिर जाती है आपकी तो भाई ये आपका जो लेग गार्ड है आपकी जो फायर बॉडी है अपनी बाइक को टंकी वगैरह एंड आपके और भी ये इतना प्रोपोर्शन ये पूरा आपको और पैर वगैरह मेन तो पैर आपको बचा लेती है, ये मेन सारा इसका फोकस अपने इस पर आगे पड़ेगा लोड जो भी है एंड भाई ये मिलता है आपको अपना 125 मिलता है इंजन जो कि CNG और पेट्रोल से दोनों चलता है अपना इंजन, इसमें आपकी किक स्टार्ट आपको बिल्कुल मिल जाती है एंड राइडर वगैरह में तो किक हटा दी गई है अपनी बाइक के अंदर, बट इसमें अच्छी बात है आपको किक मिल जाती है बाइक के अंदर बैटरी वगैरह लो हो जाती है इनके हिसाब की तो अपनी किक स्टार्ट बाइक अपनी कर सकते हो। ये मिलता है इसका ब्रेक पैडल फुटरेस्ट जो कि एकदम फिक्स्ड है बट काफ़ी अच्छी वर्टी मिल जाता है, पीछे वाला मिलता है फुटरेस्ट जो मिलता है आपको राउंड फिनिश के अंदर बट मिलता है एडजस्टेबल, ये पूरा पार्ट मिलता है आपको पूरा क्रॉस फिनिश का देखने को एंड ये मिलता है इसका मैट साइलेंसर, इसका भी आपको उसके एग्जॉस्ट एंड इंजन साउंड आपको दोनों सुनाऊंगा एंड पीछे लग के मिलता है आपको मोनो सस्पेंशन लग के मिलता है रेड फिनिश के अंदर देखने को एंड यहाँ पर कुछ खास तो नहीं है बट जो साइड में इसके आपको अपनी बॉडी जो काउच साइड जो काउच होते हैं वो तो मिलते ही नहीं देखने को, पीछे आपको मिलता है अपना हैंडल ग्रिप जो मिलता है आपको मैट फिनिश के अंदर जो कि रेड कलर अंदर के साथ में दिया हुआ है एंड उसकी सीट है भाई आपको सिंगल सीट दी गई है, ऐसे बता रहा हूँ भाई काफ़ी ज़्यादा लंबी सीट दी गई है
मैं कह रहा हूँ भाई आराम से अपने 3 जने, जैसे सिंपल बाइक होती है उसमें 3 जने भाई बहुत मुश्किल बैठ पाते हैं, बट भाई इसके अंदर अपने कंफर्टेबली काफ़ी अच्छे खासे 3 लोग बैठ पाएंगे। एंड भाई वैसे बनी तो 2 लोगों के लिए है, बट इंडियन यहाँ पे अपने 3 तो बैठ ही जाते हैं, कोई बात नहीं है। एंड भाई जो सीट है ना थोड़ी सी मुझे लगी अपनी हार्ड, सही बता रहा हूँ, थोड़ी सी मुझे लगी अपनी हार्ड, वैसे कंफर्टेबल तो इतनी है बट थोड़ी सी जो उसमें कुछ नहीं है ना थोड़ी कम करी गई है, तो थोड़ी सी हार्ड मुझे देखने में सीट लगी है इसकी। एंड आपको पूरा लेदर मिलता है इसका सीट कवर विद स्ट्रेचिंग, जो उसके स्ट्रेच मार्क्स देख सकते हो, आपको उसके स्ट्रेच मार्क्स देख सकते हो इस तरीके से, हाँ ठीक है। एंड भाई मेन चीज़ जो इसके टैंक अपने टैंक जो कैसे खुलेगा ये दिखा देता हूँ। पहली बात तो आपको 2 मिलती है फिजिकल की, ठीक है, इसको करते हैं अपना सिंपली इसको डालेंगे, इंसर्ट करेंगे अपनी, एंड ऐसे करा और खुल गया। 2 kg CNG टैंक है, 2 लीटर फ्यूल टैंक है, दोनों मिलाकर बाइक चलती है आपको अपनी 330 किलोमीटर का दे रही है अपनी एवरेज, ठीक है। ये अपनी मिलती है निडल, इसको निडल अपने हटाओगे तो यहाँ से बाइक अपनी CNG का जो पाइप होता है वो डल जाएगा, उससे अपनी CNG अपनी फुल हो जाएगी 2 kg। एंड यहाँ से अपना में जो भी ढक्कन पूरा खोलोगे तो 2 लीटर अपने फ्यूल टैंक डाल सकते हो अपने आराम से। एंड बात कर लेते हैं इसके अपने रेंज की, तो कितनी रेंज दे रही है, तो भाई ये आपको पेट्रोल पे दे रही है 130 का एवरेज जो कंपनी क्लेम कर रही है, एंड जो इसका CNG भी कंपनी क्लेम कर रही है वो कर रही है 200 का एवरेज, तो पूरा मिलाकर आपको एवरेज मिल जाता है अपना 330 किलोमीटर मिल जाता है इसका अपना एवरेज पेट्रोल एंड CNG को दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो ये तो उसका एवरेज था, बाकी इंजन की बात थोड़ी देर में करेंगे अभी आपको, पहले पीछे दिखा था पोर्शन पूरा। तो भाई यहाँ पर ये मिलता है पूरा टेस्ट सेक्शन इसका, इस तरीके से ये मिलते हैं इंडिकेटर जो मिलते हैं आपको सिंपली हैलोजन बल्ब के अंदर, एंड साइड में लगकर मिलते हैं आपको रिफ्लेक्टर जो मिलते हैं रेड कलर के अंदर देखने को। एंड भाई पीछे मिलते हैं, इसकी बात करते हैं अपने रियर के लुक की, मतलब पीछे के टेल लैम की लुक की, तो भाई ऐसा कुछ अपनी ऑफ में लुक ऐसा आता है इस तरीके से। एंड बट हम इसको ब्रेक पर प्रेस करते हैं अपने तो ऐसी कुछ अपनी LED रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है। ये कुछ इसका लैपोर टेल लैम था, रियर हेड लैम एंड इसका टेल लैम दोनों मिलते हैं आपको LED सेटअप के अंदर। एंड बात करते हैं अपने डिस्क साइज की, मतलब डिस्क साइज की भी नहीं, पीछे मिलता है ड्रम ब्रेक आपको। एंड बात करें इसके पीछे वाले रियर टायर साइज की, तो 120x70x16 इंच का मिलता है ट्यूबलेस टायर आपको देखने को, अगर आपको इजीली दिख रहा होगा आराम से दिख रहा है आपको 120x70x16, ठीक है। बाकी सेम अपना मिलता है डिजाइन आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है देखने को, एंड काफ़ी जो इसको हम इंडियन लेवल बोलते हैं मोटी गुड्डी वाला टायर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा ये टायर ऑफ रोड कर सकते हैं एंड अपने सिटी में भी एंड बारिश वगैरह में आराम से इसको चला सकते हो बाइक को, दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। और यहाँ लगता है टायर आएगा ताकि पीछे आपकी मिट्टी वगैरह आपको आपको बाइक गंदी ना करे, ओके। एंड अब आते हैं इस साइड अपनी क्या क्या मिलता है, हाँ जी, तो यहाँ पर आपको अपना साड़ी गार्ड एंड लेडीज फुटर सबको दोनों साथ में मिल जाता है। एंड एक और चीज़ ये मिलता है स्विंगम जो मिलता है आपको अपना, जिसमें आपको टायर प्रेशर मिलता है आपका रियर एंड फ्रंट का। एंड ये लगे मिलता है फाइबर का चेन कवर, फुट रेट एडजस्टेबल, फाइव फुट मिलता है गियर बॉक्स मैनुअली, फर्स्ट होता है डाउन, और सारा लगता है पूरा लगता है पूरा अपने आपको, बीच में मिलता है आपको न्यूटन का। एंड यहाँ पर जैसे बजाज की ब्रांडिंग जिसका इंजन कवर है ना जिसका, वो मिलते हैं ग्लॉसी ब्लैक के साथ में, ओके, ऐसा कुछ है। बात करते हैं बाइक के अपने सीट हाइट की, तो 825 mm मिलती है बाइक के अंदर सीट हाइट, एंड जो कि ठीक ठाक कंफर्टेबल, ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगी देख बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी झूठे बोलता नहीं मैं। एंड जो है बाइक जो पूरी मैं आपको सिंपली बताता हूँ। एंड बट बात करते हैं बाइक पर वेट की, तो आपको 147.8 kg की मिलती है बाइक, एंड ठीक ठाक मतलब काफ़ी लाइट वेट है, क्योंकि ज़्यादा भारी बाइक तो अपनी है नहीं, ठीक ठाक लाइट वेट है बाइक के अंदर। एंड मेन चीज़ भाई दिखाते थे कंट्रोल्स, तो पहले देखा तो चीक की आपको, तो भी 2 मिलते हैं फिजिकल की आपको 50 किलो के साथ में, इसको करते हैं अपनी कोई वेव की नहीं मिलती, सिंपल की मिलती है आपको, इसको करते हैं इंसर्ट। एंड ऐसा कुछ होता है उसका अपना मीटर अपना ऑन, इसमें आपको ऑटोमीटर मिल गया, ठीक है, विथ मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिव मीटर अपना ऑप्शन, जिसमें आपको अपना नेविगेशन वगैरह एंड कॉल असिस्ट वगैरह एंड मैसेज अलर्ट वगैरह आपको सारी देखना मिल जाते हैं, नेविगेशन तो नहीं है बट हाँ कॉल असिस्ट आपको मैसेज किसका आ रहा फोन किसका आ रहा है वो सब दिखा देगा आपको। एंड यहाँ से भाई मेन तो अपना है ये मिलते हैं स्विच आपको कंट्रोल, जिसमें आपको अपनी बाइक पेट्रोल एंड CNG पे स्विच कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी पेट्रोल पे स्विच कर रखी है, तो ये पेट्रोल वो दिखा रखा है अपना इस तरीके से। एंड अब करता हूँ उसको CNG पे अपना स्विच, तो भाई यहाँ पे आके CNG अपनी एंड दिखा रहा था, काफ़ी CNG का भी कम है इसकी। एंड CNG के ऊपर ब्रांडिंग आपको यहाँ से अपने ऊपर मिलता है CNG का स्विच कर सकते हैं, नीचे मिलता है पेट्रोल स्विच करने का, ठीक है, इस तरीके से हो गया। यहाँ पे लोशन दिखा रखा है, टाइमिंग दिखा रखी है, ऑडोमीटर 8 किलोमीटर दिखा रखा है। एंड अब इसे कंट्रोल से हमें इसकी चेंज करना है, कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ से करेंगे पेट्रोल पेट्रोल
मोड, ये इसके क्लॉक एंड ब्लूटूथ ऑन, फ्रीडम पेट्रोल ऐसे दिखा रहा है कुछ अपना, ट्रिप ए ट्रिप भी दोनों में देखने मिल जाता है इसके अंदर। और ओके एंड इसके अंदर मिलता है यूएसबी पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है ये, इधर ये मिलता है यूएसबी पोर्ट, इस तरीके से आप अपना फ़ोन आराम से चार्ज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसके लो बीम हाई बीम एंड इसी से अपना पासिंग स्विच अपनी इसके साथ आपको इंटीग्रेटेड दे दिया गया है। ये मिलता है कॉल का स्विच अपना, इसे फ़ोन अगर उठाना हो चलती बाइक पे तो अपना इससे अपना आप कॉल अपना रिसीव कर सकते हैं। ओके एंड ये मिलता है इसका 10 इंडिकेटर स्विच एंड ये मिलता है इसका ऑरेंज स्विच, सेल्फ का स्विच एंड जो क्लच है काफ़ी आपको 125 के हिसाब से लाइट में मिल जाता है। एंड अब सुनो तो बाइक के अंदर आपको मेन अपना इंजन साउंड भाई, इसके अंदर थ्रोटल कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप करते हैं सुनाते हैं इसके आपको इंजन साउंड। ओके ये है विदाउट माइक, और ये है इसका आइडल साउंड। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूँ, ऐसे भी साउंड कर रही है एक्सेलरेटर पे। अभी पेट्रोल पे है ठीक है, अब इसको कर रहा हूँ मैं अपनी, नहीं ये भी सेम सीएनजी पे है, पेट्रोल पे है ये, इसको करो सीएनजी पे स्विच अपनी भाई। अब इसकी साउंड है ये सीएनजी पे, सीएनजी का उस टाइम पेट्रोल पे थी, अभी सीएनजी पे साउंड है इसका। अगर बताऊं तो भाई मुझे लग रहा है कि जिसके सीएनजी पे और पेट्रोल पे थोड़ा साउंड अपना इंजन साउंड एंड एग्जॉस्ट इंजन साउंड का थोड़ा बहुत अपना फ़र्क पड़ रहा है भाई, मुझे लग रहा है। बाकी आप सुनकर कमेंट बॉक्स अपना ओपन है, उसमें बताना कि भाई हाँ भाई साउंड में फ़र्क अपना है या नहीं है, आपको सेम लग रहा है देखने में ठीक है। कमेंट बॉक्स पूरा ओपन है, बता देना मेरे को। एंड सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको आज दे दी गई है अपनी फ्रीडम 125 के बारे में। एंड इसकी बुकिंग अपनी ओपन है, मैं इसका शोरूम का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में फिलअप कर दूँगा, वहाँ चेक कर लेना। ओके करते हैं बाइक के मेन इंजन की, तो भाई ये 125 का मिलता है इसके अंदर इंजन। एंड बात करें इसके पावर की तो ये 99.5 पीएस की पावर प्रोड्यूस कर रही है। बात करें इसके मैक्स टॉर्क की तो 9.7 Nm प्रोड्यूस कर रही है एंड आपको 330 की एवरेज निकाल के दे रही है। एंड इसकी टॉप स्पीड है तो कंपनी क्लेम कर रही है 93 किलोमीटर पर हार, इसकी जो टॉप स्पीड क्लेम कर रही है एंड इसकी 330 किलोमीटर भी कंपनी क्लेम कर रही है इसकी एवरेज। ओके जैसे इसका टॉप मॉडल है तो इसकी पहचान तो ये है कि इसमें मिलता है एलईडी सेटअप आपको पूरा, इसमें मिलता है डिस्क ब्रेक एंड इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है ऑप्शन। इसका मान लो इसका बेस वेरियंट है आपको, मतलब दिख रहा है आपको, तो उसके उसमें एलईडी हेडअप नहीं मिलेंगे, डिस्क नहीं मिलेगी एंड उसके अंदर उसका मीटर है वो मिलेगा सिंपल वाला एंड उसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आता है इसका मिड वेरियंट जिसमें आपको एलईडी लाइट मिलेंगी, डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगी, उसमें आपको सेम फ्रंट में टर्म मिलेगा आपको, जिसका स्पीडोमीटर है वो मिलेगा ऐसे ही मिलेगा, बट उसके अंदर आपको अपना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड आप इसका टॉप ब्रांड का टॉप ब्रांड में आपको अपना डिस्क ब्रेक, एलईडी हेडलैम्प, मीटर ऐसे मिलेगा आपको जिससे इसमें मिलता है देखने को एंड इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा। एंड बात कर लेते हैं इस वाले वेरियंट की एक्सशोरूम प्राइसिंग की, तो भाई ये 110,000 की पड़ती है एक्सशोरूम ये वाला वेरियंट एंड ये वाला जिसका है ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग के अंदर 128,800 रुपीज़ का पड़ता है ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग के अंदर। अब आता है इसके लो वेरियंट के अंदर, तो भाई वो 95,000 का पड़ता है एक्सशोरूम प्राइसिंग के अंदर एंड जो इसकी है दिल्ली प्राइसिंग वो है इसकी अपनी 112,500 ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग के अंदर सबसे बेस वेरियंट की। एंड आते इसके मिड वेरियंट में तो भाई उसकी प्राइसिंग पड़ती है आपको अपनी 105,000 की पड़ती है एक्सशोरूम प्राइसिंग के अंदर एंड वो उसकी ऑन रोड प्राइस जाती है दिल्ली के अंदर 123,500 रुपीज़ की जाती है दिल्ली प्राइसिंग के अंदर। बाकी ये सारी चीज़ें अपनी स्क्रीन पर लिखी आ जाएगी आपको, अगर समझ नहीं आई हो मेरे बोलने से तो आपको ये इस पर समझ भी इसको लिखी आ जाएगी अपनी स्क्रीन के ऊपर ठीक है। मुझे फटाफट से करते हैं अपनी वीडियो को यहाँ पर अपनी एंड, और आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले मेरी वीडियो को भाई सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्यों करना भाई, देखो भाई बाहर पड़ रही है अपनी बारिश आपको बंद हो गई है, हल्की पड़ रही है दिख रही है अभी आपको वीडियो के अंदर बट पड़ रही है, तो ऐसी वीडियो अगर ऐसी बारिश में आपके लिए हम वीडियो शूट करने आते हैं तो भाई इसलिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट तो बनता है ओके लाइक जरूर बनता है भाई ओके। एंड भाई जैसे कि कुछ भी कमेंट बॉक्स ओपन है, अगर मैं कुछ भी चीज़ें अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर, अगर मैं कुछ गलत बता भी रहा हूँ
तो भाई मुझे आप कमेंट करते हो भाई आप ऐसे नहीं, आप ऐसे सही करो, आप कुछ गलत बोल रहे हो। एंड बहुत से भाई ने कुछ मुझे कमेंट करा था कुछ इम्प्रूव करने के लिए वीडियो के अंदर, तो भाई मैंने वो चीज़ अपनी इम्प्रूव भी करी है। तो अगर वो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैंने कमेंट करा है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ भाई थोड़ा कुछ वीडियो में इम्प्रूव आया है, मतलब मेरी कुछ बोलने में इम्प्रूव आया। ओके, एंड अगर आपको वीडियो क्वालिटी के अंदर, आपको स्टेबिलिटी के अंदर अगर कुछ भी आपको लगती है प्रॉब्लम, तो मुझे कमेंट करो भाई, उस चीज़ को भी हम बिल्कुल अपनी इम्प्रूव करेंगे। ओके, तो भाई आप सभी अपना ध्यान रखें, मिलते हैं आपको अपनी एक और सी अच्छी सी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राम राम मेरे भाइयों को। ओके, बाय बाय भाई।